खबर बुलंदशहर से, ढेरी की गाड़ी में लूट का खुलासा हुआ है। खुर्जा पुलिस ने गिरोह का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। चेकिंग के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1,20,000 रुपए की नकदी जब्त हुई है। 2 तमंचे और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। आरोपियों पर मामला दर्ज हो गया है। खुर्जा पुलिस ने गिरोह का खुलासा किया। लूट का खुलासा, 1,20,000 रुपए की नकदी जब्त की है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचे 2 चाकू भी बरामद। ये 27/28 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर के एक गांव मिर्ज़ापुर में एक कृष्णा डेयरी करके है, जो कि पनीर सप्लाई का काम करती है, उसकी गाड़ी जब दिल्ली गई हुई थी और वहां कुछ सामान बिक्री करके आ रही थी, तो रात्रि करीब 1 बजे उस गाड़ी पर सवार जो भी कृष्णा डेयरी के कर्मी थे, उनको 3 लोगों द्वारा रोक कर उनसे तमंचे के बल पर उनके पास जो बिक्री के पैसे थे, कुल 1,20,000 रुपए, ये उनके द्वारा लूट लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पुलिस एक्टिवेट हुई और लगभग 4 घंटों के अंदर ही जितने भी इसमें अभियुक्त थे इस घटना को करने वाले, उन सभी को उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।